नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों से। दरभंगा एयरपोर्ट भर रहा कामयाबी की नई उड़ान। अकेले जुलाई में 67,000 से अधिक यात्रियों की हुई आवाजाही। 9 महीनों में 3.5 लाख यात्रियों को एयरपोर्ट ने किया हैंडल। 4 अगस्त को मनेगा बोन एंड ज्वाइंट डे। खुद बचें और दूसरों को बचाएं थीम के तहत 1 लाख छात्रों, पुलिसकर्मियों एवं आम लोगों को वेबिनार के माध्यम से दी जाएगी ट्रेनिंग। पत्रकारों को दी गई कार्यक्रम की जानकारी। चौतरफा ओम नमः शिवाय की रही गूंज। भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। सावन की दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। श्री चैतन्य स्पीड फोर्स मोटो सर्विस सेंटर का हुआ शुभारंभ। सभी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग सुविधा के साथ उचित दर पर मिलेंगे पार्ट्स भी। चांदी की राखी से सजेगी भाइयों की कलाई। दरभंगा के रेडियो स्टेशन के निकट दगरू सेठ ज्वेलर्स में इस साल भी खरीद सकते हैं आप यह राखी। रेंज 299 से है शुरू। पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर हुई बैठक। दरभंगा शहरी क्षेत्र में कोवैक्सीन के लिए बना 6 टीकाकरण केंद्र। प्रखंडों में बने 27 सेंटर। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महासभा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। और डीएमसीएच की इमरजेंसी में फर्श पर मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, परिजन भी नाराज। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाई टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेज, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, IIT, जी, नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा एयरपोर्ट भर रहा कामयाबी की नई उड़ान। अकेले जुलाई में 67,000 से अधिक यात्रियों की हुई आवाजाही। 9 महीनों में 3.5 लाख यात्रियों को एयरपोर्ट ने किया हैंडल। नित नई उड़ान भर रहा दरभंगा एयरपोर्ट। जुलाई में रिकॉर्ड यात्रियों की हुई आवाजाही। 9 महीने में 3.5 लाख के करीब यात्रियों को एयरपोर्ट ने हैंडल किया। एयरपोर्ट से 1,213 हवाई जहाजों ने भरी उड़ान और इतने की ही हुई लैंडिंग। 67,000 से अधिक यात्रियों की केवल जुलाई में हुई आवाजाही। 40,000 से अधिक यात्रियों ने जून में पकड़ी थी फ्लाइट। फ्लाइटों की बढ़ती संख्या के साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट जुलाई में यात्रियों को ढोने के मामले में अपने पिछले ही रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। जुलाई में दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइटों की संख्या में हुई वृद्धि के बाद यात्रियों की संख्या में यह बढ़ोतरी देखने को मिली है। मात्र 9 महीनों की अवधि में 2,426 फ्लाइटों को दरभंगा एयरपोर्ट ने हैंडल किया। इन फ्लाइटों से 3,42,361 यात्रियों की आवाजाही हुई। दरभंगा एयरपोर्ट से 1,213 फ्लाइटों से 1,75,379 मुसाफिरों ने उड़ान भरी और इतने ही फ्लाइटों से 1,66,982 यात्रियों ने लैंडिंग की। जुलाई में दरभंगा एयरपोर्ट से 251 हवाई जहाजों ने उड़ान भरी और इतने ही विमान की लैंडिंग हुई। इस तरह कुल 502 फ्लाइटों से कुल 67,426 यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आवाजाही की। 4 अगस्त को मनेगा बोन एंड ज्वाइंट डे। खुद बचें और दूसरों को बचाएं थीम के तहत 1 लाख छात्रों, पुलिसकर्मियों एवं आम लोगों को वेबिनार के माध्यम से दी जाएगी ट्रेनिंग। पत्रकारों को दी गई कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी। 4 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है हड्डी एवं जोड़ दिवस। इस बार भी 4 अगस्त को यह दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने इसके थीम के रूप में खुद को बचाओ, दूसरों को भी बचाओ, सेव सेल्फ सेव वन लक्ष्य निर्धारित किया है। ज्यादातर मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवा, वयस्क, खास तौर पर पुरुष ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं।
इनमें से अधिकांश मौतें दुर्घटना के बाद पहले गोल्डन आवर में प्राथमिक चिकित्सा एवं उचित देखभाल न हो पाने के कारण हो जाती हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद उचित प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर इन अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस संदर्भ में 4 अगस्त 2021 को 11 से 1 बजे के बीच एक बेसिक लाइफ सपोर्ट पर वेबिनार का आयोजन होगा। इसमें जूम, यूट्यूब, फेसबुक, ऑर्थो टीवी एवं आईओए टीवी पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप भी लिंक पर क्लिक कर जुड़ सकते हैं। पत्रकारों को इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर दिरसाद और डॉक्टर अब्दुल्ला ने विस्तार से तमाम जानकारियां दी पत्रकारों को। इस वीक को मनाने का एम है कि हमारे देश में बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड साइड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें शुरू के कुछ मिनट या शुरू का कुछ आवर, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय किसी पेशेंट को जो दुर्घटना से ग्रसित हुआ है, अगर तुरंत मदद की जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। मदद से मतलब दो बातें होती हैं, एक तो क्लिनिकल डेथ होती है कि लगा कि किसी की सांस रुक गई, हार्ट रुक गया और लोग समझ लेते हैं कि मर गया, और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ के बाद ब्रेन को ब्लड सप्लाई 4-5 मिनट तक न मिले तो सचमुच उसकी डेथ हो जाती है। ये 4-5 मिनट जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इस क्षण में अगर हार्ट को पंप किया जाए, कार्डियक मसाज किया जाए और सांस दिया जाए, सांस लेने की कोई विधि अपनाई जाए जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन कहते हैं, CPR कहते हैं, अगर CPR किया जाए तो उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। और इसी बीच में अगर वहाँ कोई मदद करने वाला है, पहुँचा दे हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस से, तो आगे की चीज़ों से मदद किया जा सकता, लेकिन शुरू के कुछ क्षण ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलता रहे, CPR करके बचाया जा सकता। साथ ही साथ इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में हम लोग चौकिंग की बहुत सी घटनाएं होती हैं बच्चों में, खासतौर पर आप कुछ खा रहे हैं, हम लोग मिथिला में कहते हैं सरक गया, और सरक जाने का मतलब है कि आप सांस नहीं पा रहे हैं, अटक गया गला बिलका, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, और सांस नहीं ले पा रहे हैं इसका मतलब ब्लड का सप्लाई ब्रेन को खत्म हो गया और डेथ हो जाती है। तो उसकी एक टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है, कोई भी चौकिंग को से बचाया जा सकता है। चालू हो रहा है और हम लोग काफी बड़ी संख्या में बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले हैं कि हर इंसान, हर बच्चे कभी जीवन में किसी एक्सीडेंट को देखते हैं या उनके परिवार में उनके इस तरह का घटना होता है, वैसे समय में शुरू के कुछ घंटे जब तक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है, उस दौरान में क्या किया जाए जिससे कि उस मरीज को ज़्यादा सुविधा के साथ बचाया जा सके या उसके चांसेज ऑफ सर्वाइवल को काफ़ी बचा अच्छे तरीके से बचाया जा सके, ये चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। और ये सारा चीज़ हम लोग वर्चुअल मीडियम से कर रहे हैं और इस में हम लोग के साथ 70,000 स्कूल जुड़ रहे हैं, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी सर एजुकेशन डिपार्टमेंट के IAS संजय कुमार सर रहेंगे। हम लोगों की ये खुशनसीबी है और ये गुड लक है कि इस बार के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे एस एन सर्राफ सर हैं बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के, और सर डॉक्टर अभिषेक ने भी बताया कि एक्सीडेंट्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज। उसकी वजह यही होती है कि जो गोल्डन आवर जो एक घंटे का वक्त होता है उसमें किस तरीके से पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए, वो लोगों को सही ढंग से नहीं आता है। सड़क पर एक्सीडेंट होता है, देखा जाता है कि बहुत से केसेस में लोग छोड़ देते हैं। ज़्यादातर डेथ की वजह एक्सीडेंट के बाद वही एक घंटा होता है। अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज करके हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया जाए तो ज़्यादातर जाने बच सकती है। इस वीक है, ये वीक तो 2012 से चल रहा है, इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार डॉक्टर भी ऐसा चीज़ दे रहा है जो कि आपके लिए भी फायदेमंद है, और हम तो कहेंगे कि डॉक्टर आम आदमी से ज़्यादा जो क्लिनिक में स्टाफ है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो अगर ठीक से सुने, उसको समझें, डॉक्टर्स भी अगर ठीक से, जो कि स्पाइन सर्जरी, सभी लोग स्पाइन सर्जरी नहीं करते हैं, वो लोग भी अगर सुने तो उनके लिए भी फायदेमंद है, आम आदमी के लिए तो फायदेमंद है। चौतरफा ओम नमः शिवाय की रही गूंज, भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, सावन की दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु।
चौतरफा रही ओम नमः शिवाय की गूंज, भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति दिखी। सोमवार को दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय, पूरे मिथिलांचल और देश भर में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्री चैतन्य स्पीड फोर्स मोटो सर्विस सेंटर का हुआ शुभारंभ। सभी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग सुविधा के साथ उचित दर पर मिलेंगे पार्ट्स। लहेरिया सराय के पंडा सराय रामाशीष कॉम्प्लेक्स पेट्रोल पंप के नजदीक बहेड़ी रोड में सोमवार को श्री चैतन्य स्पीड फोर्स मोटो सर्विस सेंटर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर के पुत्र एवं पुत्री द्वारा किया गया। इस मौके पर स्पीड फोर्स कंपनी के बिहार झारखंड सेल्स हेड गौरव कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के मोटरसाइकिल का उचित दामों पर सर्विसिंग किया जाएगा। मार्केट से कम रेट पर यहां सर्विसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पार्ट्स भी साथ में उपलब्ध होगा। यहां अनुभवी कारीगर के द्वारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से सर्विसिंग की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में संजय कुमार, राजेश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारा नाम गौरव कुमार सिंह है, हम बिहार से कम दो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पीड फोर्स गुजरात की कंपनी है जो बिहार पूरे पैन इंडिया मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर प्रोवाइड करता है। हमारे यहाँ एक छत के नीचे स्कूटी से लेकर बुलेट तक सारी गाड़ी का सर्विस किया जाता है। हमारे यहाँ फोम वॉशिंग का सुविधा, एक्सीडेंटल गाड़ी का सुविधा, इंश्योरेंस का सुविधा मिलता है। हम पार्ट्स जमीन पार्ट्स यूज करते हैं। पार्ट्स में हम मिंडा के साथ टाई अप हैं, ल्यूब में हम कैस्ट्रोल के साथ कॉर्पोरेट टाई अप हैं। बेहतर सर्विस मिलता है, मार्केट से चीप रेट में बेहतर सर्विस मिलता है, इसलिए कस्टमर हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। मार्केट से चीप रेट में हमारे यहाँ बेहतर सर्विस मिलता है, इसलिए हमारे यहाँ कस्टमर ज़्यादा आते हैं। पर यहाँ पे आए सबसे बड़ी बारस रहेंगे, ये मेरा पहला ऑपडेट है जो इस तरह का मल्टी ब्रांड खुला है स्पीड फोर्स के साथ टायर करके। ये सचिन श्री चैतन्य ऑटोमोबाइल, यहाँ पर एक छत के नीचे वो जितने भी सर्विसें जो थी ऑटोमोबाइल की, चाहे वो टायर की सर्विस हो, बैटरी की सर्विस हो, ऑटो पार्ट की सर्विस हो, धुलाई की सर्विस हो, वो सारे सर्विसेज हम एक ही छत के नीचे दे रहे हैं। पॉल्यूशन हो, इंश्योरेंस हो, या आप कह लें कि इससे भी बढ़ के जो अलाइनमेंट वगैरह होता है, उस सब पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग के नीचे ये सारे सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो रेट मेरा होगा वो सिर्फ बिल्कुल रोड पर जो आप सर्विस कराते हैं उस रेट में उससे बेटर सर्विस देने की हमारी इच्छा है और हम इसको साकार करेंगे। चांदी की राखी से सजेगी भाइयों की कलाई। दरभंगा के जीएम रोड में रेडियो स्टेशन के निकट अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स में इस साल भी खरीद सकते हैं आप। रेंज 299 रुपए से है शुरू। सजेगी भाइयों की कलाई चांदी की राखी के साथ। जी हां, रेडियो स्टेशन के निकट जीएम रोड दरभंगा में अवस्थित दगरू सेठ ज्वेलर्स ने लगातार दूसरे वर्ष ग्राहकों के लिए यह खास इंतजाम किया है। आकर्षक और लुभावनी चांदी की राखियां आपका भी मन मोह लेंगी। प्रोप्राइटर संतोष लाठ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष ग्राहकों की मांग पर चांदी की राखी उन्होंने बाजार में उतारी, जिसका काफी सकारात्मक रेस्पॉन्स मिला और इसलिए इस वर्ष भी ग्राहकों की जबरदस्त मांग पर चांदी की राखियों को उन्होंने पेश किया है। उन्होंने यह भी बताया कि राखियों की रेंज मात्र 299 रुपए से शुरू है। देखिए, पिछली वर्ष भी हम लोगों ने चांदी की राखियाँ मंगाई थी और इस वर्ष भी चांदी की राखियाँ मंगाई गई हैं और हम लोगों ने ये पूरी कोशिश की है पिछली ही वर्ष की तरह इस वर्ष भी 300 रुपये से ही राखी का मूल्य स्टार्ट किया गया है, ताकि लोगों पर प्रेशर पैसों का और ज़्यादा ना पड़े और भाई बहन के प्रतीक, प्रेम के प्रतीक इस रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाइयों के हाथों को चांदी की राखियों से सजा सकें। इसी कोशिश में डगरू सेठ लगा रहता है कि अच्छी से अच्छी चीजें कम से कम मूल्य में हमारे शहरवासियों को हम उपलब्ध करा सकें। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटेंगे।
ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा एयरपोर्ट भर रहा कामयाबी की नई उड़ान। अकेले जुलाई में 67,000 से अधिक यात्रियों की हुई आवाजाही। 9 महीनों में 3.5 लाख यात्रियों को एयरपोर्ट ने किया हैंडल। 4 अगस्त को मनेगा बोन एंड ज्वाइंट डे, खुद बचें और दूसरों को बचाएं थीम के तहत 1 लाख छात्रों, पुलिसकर्मियों एवं आम लोगों को वेबिनार के माध्यम से दी जाएगी ट्रेनिंग। पत्रकारों को दी गई कार्यक्रम की जानकारी। चौतरफा ओम नमः शिवाय की रही गूंज, भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। सावन की दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। श्री चैतन्य स्पीड फोर्स मोटो सर्विस सेंटर का हुआ शुभारंभ। सभी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग सुविधा के साथ उचित दर पर मिलेंगे पार्ट्स भी। चांदी की राखी से सजेगी भाइयों की कलाई। दरभंगा के रेडियो स्टेशन के निकट दगरू सेठ ज्वेलर्स में इस साल भी खरीद सकते हैं आप यह राखी। रेंज 299 से है शुरू। पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर हुई बैठक। दरभंगा शहरी क्षेत्र में कोवैक्सीन के लिए बना 6 टीकाकरण केंद्र। प्रखंडों में बने 27 सेंटर। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महासभा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। और डीएमसीएच की इमरजेंसी में फर्श पर मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, परिजन भी नाराज। पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर हुई बैठक। पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर हुई बैठक। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक में डीएम ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे क्षेत्र जो अब नगर निकाय में शामिल हो गए हैं उसकी जानकारी सूचना पट के माध्यम से दी जानी है। प्रखंडवार, वार्डवार कितने मतदान केंद्र नगर निकाय क्षेत्र में चले गए हैं, इस संबंध में 5 अगस्त तक दावा आपत्ति लेनी है तथा 30 अगस्त तक प्रारूप प्रकाशन करना है। उन्होंने कहा कि वैसे क्षेत्र जो किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित हो गए हैं लेकिन पंचायत समिति के लिए वह क्षेत्र यथावत बना रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का कार्य समयबद्ध होता है और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए सभी तैयारी ससमय कर ली जाए। अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की जांच करने, वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र के लिए भवन चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 4 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से होगा और 4 पदों की ईवीएम अलग अलग रखे जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि वज्रगृह प्रखंड मुख्यालय के आसपास ही बनाया जाए, इससे चुनाव के दौरान सुविधा होगी। कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्र को लक्ष्य कर अधिक से अधिक टीकाकरण कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त महीने में जुलाई महीने की तुलना में अधिक टीका मिलने वाले हैं, तदनुसार टीकाकरण की तैयारी की जाए। बैठक में बताया गया कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं और कोरोना महामारी से बचाव का उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा टीका का 100% टीकाकरण कराया जाए। शिक्षक नियोजन को लेकर बताया गया कि शिक्षक नियोजन के लिए प्रखंड स्तरीय काउंसिलिंग 7, 9 एवं 10 अगस्त को दरभंगा शहरी क्षेत्र में होगा। इसके लिए दरभंगा शहरी क्षेत्र में अलग अलग प्रखंडों के लिए अलग अलग काउंसिलिंग केंद्र बनाया गया है जो 11:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगा। 7 अगस्त को सामाजिक विज्ञान के लिए काउंसिलिंग होनी है जिसमें अधिक भीड़ होने की संभावना है। शहरी क्षेत्र में कोवैक्सीन के लिए बना 6 टीकाकरण केंद्र। प्रखंडों में 27 वैक्सीनेशन सेंटर बने। शहरी क्षेत्र में कोवैक्सीन के लिए 6 टीकाकरण केंद्र बना। प्रखंडों में कोवैक्सीन के लिए 27 टीकाकरण केंद्र। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति जाकर ऑन द स्पॉट लगवा सकता है टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा शहरी क्षेत्र सहित प्रखंडों में दिनांक 3 अगस्त को कुल 33 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें दरभंगा शहरी क्षेत्र के 6 टीकाकरण केंद्र एवं प्रखंडों में 27 टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का टीका ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। इनकी सूची निम्नलिखित है। शहरी क्षेत्रों में
एच में, डीएमसीएच में, महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल अस्पताल, पुलिस लाइन हॉस्पिटल, एमएल एकेडमी, मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इन टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज का टीका दिया जाएगा। जिन लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लेनी है वो भी इन टीकाकरण केंद्रों पर जाकर कोवैक्सीन की पहली डोज का टीका लगवा सकते हैं। इसके साथ ही प्रखंड क्षेत्र के 27 टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का टीका ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। अलीनगर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीनगर, बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत भवन छिपलिया वाजिदपुर में, बहेड़ी के सी बहेड़ी में, बेनीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपुर में, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में, बिरौल प्रखंड के नर्सिंग स्कूल बिरौल में एवं मध्य विद्यालय बिरौल में, घनश्यामपुर प्रखंड के न्यू बीआरसी घनश्यामपुर में, हनुमान नगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरसरा, हायाघाट के प्लस टू उच्च विद्यालय आनंदपुर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया एवं उच्च विद्यालय घोसरामा में, केवटी प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैयाम में, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुशेश्वर स्थान पूर्वी में, कुशेश्वर स्थान सतीघाट प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतीघाट में, जाले प्रखंड के मध्य विद्यालय जाले हाट में, कीरतपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कीरतपुर में, मनीगाछी प्रखंड के ट्रिसम बिल्डिंग मनीगाछी बीडीओ सभागार में, ताड़ी प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताड़ी में, दरभंगा सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय गोरगट्टा में तथा सिंहवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय महेश पट्टी में, पंचायत भवन निस्ता में, पंचायत भवन कलीगांव में, राधे कृष्ण मंदिर में, इन जगहों पर कोवैक्सीन का पहला डोज का टीका लगवा सकते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हेयर इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा एयरपोर्ट भर रहा कामयाबी की नई उड़ान, अकेले जुलाई में 67,000 से अधिक यात्रियों की हुई आवाजाही, 9 महीनों में 3.5 लाख यात्रियों को एयरपोर्ट ने किया हैंडल। 4 अगस्त को मनेगा बोन एंड ज्वाइंट डे, खुद बचें और दूसरों को बचाएं थीम के तहत 1 लाख छात्रों, पुलिसकर्मियों एवं आम लोगों को वेबिनार के माध्यम से दी जाएगी ट्रेनिंग, पत्रकारों को दी गई कार्यक्रम की जानकारी। चौतरफा ओम नमः शिवाय की रही गूंज, भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, सावन की दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। श्री चैतन्य स्पीड फोर्स मोटो सर्विस सेंटर का हुआ शुभारंभ, सभी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग सुविधा के साथ उचित दर पर मिलेंगे पार्ट्स भी। चांदी की राखी से सजेगी भाइयों की कलाई, दरभंगा के रेडियो स्टेशन के निकट दगरु सेठ ज्वेलर्स में इस साल भी खरीद सकते हैं आप यह राखी, रेंज 299 से है शुरू। पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर हुई बैठक। दरभंगा शहरी क्षेत्र में कोवैक्सीन के लिए बना 6 टीकाकरण केंद्र, प्रखंडों में बने 27 सेंटर। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महासभा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। और डीएमसीएच की इमरजेंसी में फर्श पर मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, परिजन भी नाराज। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महासभा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। किसानों के मुद्दे को लेकर किसान महासभा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन, हथौड़ी स्लुइस गेट को खोलने, किसानों के फसल क्षति मुआवजा देने सहित अन्य मांगे हैं शामिल। हथौड़ी स्लुइस गेट को खोलने, 3 साल से जलजमाव के कारण हुए फसल बर्बादी के मुआवजे देने, चकवा भरवारी पंचायत भवन को सुचारू रूप से चलाने, स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज हथौड़ी चौक धरना सह अनशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अनशन पर किसान नेता बैठे हुए हैं। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में फर्श पर लिटाकर मरीजों का हो रहा इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, परिजन भी खासे नाराज। लाचार परिजन कुव्यवस्था से नाराज। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की इमरजेंसी सेवा पूरी तरह से बदहाल है। बेड की कमी के कारण मरीज फर्श पर ही लेटकर जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हैं। सोमवार को इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की काफी संख्या देखने को मिली। इस दौरान तीमारदार अपने मरीजों को नीचे ही लिटाकर जमीन पर इलाज कराते देखे गए। स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा में इमरजेंसी सेवा को ही बेहतर माना जाता है, लेकिन यहाँ चिकित्सा के नाम पर मरीजों के साथ ये क्या हो रहा है? इमरजेंसी में आए गंभीर मरीजों को बेहतर ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा। बेड के अभाव में मरीज फर्श पर ही ऑक्सीजन चढ़वाने को विवश दिखे। इनके लिए बेड की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था।
मरीज और स्वजन दोनों परेशान थे। उस समय इमरजेंसी कक्ष के डॉक्टर भी परेशान थे। मधुबनी के बिस्फी से आए मरीज के परिजन नरेंद्र कुमार ने कहा कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हमारे मरीज आंत की समस्या से पीड़ित हैं, बेड नहीं होने के कारण फर्श पर लिटाने को कहा गया है। तमाम सवालों पर डीएमसीएच के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा ने कहा कि इमरजेंसी में आए मरीजों को बेहतर इलाज देने का प्रयास रहता है, 30 बेड की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने में थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भीड़ बढ़ने पर एक दो घंटे तक थोड़ी परेशानी होती है, फर्श पर इलाज के बारे में अभी पता कराता हूं, यह भी उन्होंने कहा। शीघ्र उन्हें चेकअप कराकर सीसीडब्ल्यू में बेड पर भिजवाऊंगा मरीजों के लिए, ऐसा भी बोले सुपरिटेंडेंट डीएमसीएच। सवाल बड़ा यह है कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत कब सुधरेगी? फंड की कमी नहीं है, सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार विभिन्न मशीनों से लेकर मरीजों के इलाज के लिए फंड की पुरजोर व्यवस्था की बात ऐसे दावे लगातार किए जाते रहते हैं। डीएमसीएच इमरजेंसी में फर्श पर मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि बादल इतना बरस रहे हैं, पौधे फिर भी तरस रहे हैं, यही चमन को अचरज भारी, पानी कहाँ चला जाता है, पानी कहाँ चला जाता है। बेड है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई व्यवस्था नहीं है, वो स्टाफ को बोलता है। कितना देर से नीचे रखे हुए हैं? क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार पासवान। कहाँ से आए हैं? बिस्फी ब्लॉक मधुबनी जिला। वहाँ के पेशेंट छथिन, की भेल है इनका? कितने देर पहले अलिए है तो? आधा घंटा से नीचे ही मिले थे इमरजेंसी में। सीसीडब्ल्यू जो हमारा था पुराने सर्जिकल बिल्डिंग में, लगभग 60 बेड का था, उसको पुराना जर्जर था, इसके चलते उसको हटा दिया गया, तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं 30 बेड का, थोड़ा कम पड़ रहा है, और फ्यूचर में हम लोग बात कर रहे हैं जब फैब्रिकेटेड सीसीडब्ल्यू बन जाए जो सदा के लिए, जब तक सर्जिकल भवन हमारा नहीं बन रहा है और सीसीडब्ल्यू, तब तक फैब्रिकेटेड हम लोग बात कर रहे हैं विभाग से। ये अब तक के समाचार, बिताएंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट भर रहा कामयाबी की नई उड़ान, अकेले जुलाई में 67,000 से अधिक यात्रियों की हुई आवाजाही, 9 महीनों में 3.5 लाख यात्रियों को एयरपोर्ट ने किया हैंडल। 4 अगस्त को मनेगा बोन एंड ज्वाइंट डे, खुद बचें और दूसरों को बचाएं थीम के तहत 1 लाख छात्रों, पुलिसकर्मियों एवं आम लोगों को वेबिनार के माध्यम से दी जाएगी ट्रेनिंग, पत्रकारों को दी गई कार्यक्रम की जानकारी। चौतरफा ओम नमः शिवाय की रही गूंज, भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, सावन की दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। श्री चैतन्य स्पीड फोर्स मोटो सर्विस सेंटर का हुआ शुभारंभ, सभी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग सुविधा के साथ उचित दर पर मिलेंगे पार्ट्स भी। चांदी की राखी से सजेगी भाइयों की कलाई, दरभंगा के रेडियो स्टेशन के निकट दगरू सेठ ज्वेलर्स में इस साल भी खरीद सकते हैं आप यह राखी, रेंज 299 से है शुरू। पंचायत चुनाव, टीकाकरण एवं शिक्षक नियोजन को लेकर हुई बैठक। दरभंगा शहरी क्षेत्र में कोवैक्सीन के लिए बना 6 टीकाकरण केंद्र, प्रखंडों में बने 27 सेंटर। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महासभा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। और डीएमसीएच की इमरजेंसी में फर्श पर मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, परिजन भी नाराज। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।